हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो ईस्टर आने वाला है और मैंने सोचा कि थोड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कर ली जाए। उसके लिए मैं अब इंस्टाग्राम पे जाने वाली हूँ, चेक करने वाली हूँ कोई ऑनलाइन ब्रांड, और वहाँ से कोई सस्ते कपड़े मिल जाए तो खरीद लेते हैं ईस्टर के लिए। जल्दी से चले मेरे साथ, आपको भी लेके चलती हूँ। अच्छा, तो मैं इंस्टाग्राम पे लाम से देख रही हूँ कोई अच्छा कपड़ा, अगर अच्छा सूट मुझे मिल जाए कोई। और यहाँ पे डिज़ाइनर कपड़े होते हैं तो मैं देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ, देखते हैं। मुझे अनसब जहांगीर का एक ड्रेस पसंद आया, गूगल पे अनसब जहांगीर लिख रही हूँ, चेक कर रही हूँ इसके कपड़े कैसे हैं प्रेट में, और लग्जरी प्रेट इसका कैसा है। ये वाले कपड़े जो है बहुत अच्छे हैं, मटेरियल मैंने देखा है कि ज़्यादा यहाँ पे रॉ सिल्क यूज़ हो रही होती है, तो मैं चेक करती हूँ, अगर मुझे यहाँ से कोई अच्छा मिल जाए और सस्ता मिल जाए तो मैं बाय कर लूँगी यहाँ से। यार ये बहुत प्यारा लग रहा है ड्रेस, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ब्लू कलर का है, और ये वाकई ये आयज़ा खान ने पहना है और ये बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन इसके प्राइस देख के ना मेरी हवा निकल गई, क्योंकि इसके प्राइस कुछ 50,000 है, और ये टील ब्लू कलर में है, रॉ सिल्क है, एम्ब्लिशमेंट वर्क डिटेल्स इसकी एम्ब्लिशमेंट है, और साइज़ वगैरह तो हमें खुद सेलेक्ट करना पड़ता है। तो नीचे जाके देखा तो ये देखो ये लिखा हुआ आ रहा है 14,000 की, सिर्फ पैंट्स अगर इसकी अलग से ख़रीदनी है तो पैंट्स भी 14,000 की है। अब क्या करूँ, टॉक टू अस, नहीं आसानी करनी गाल तो देना। चलो जी, जेब में देखा तो सिर्फ 5,000 और नहीं हमारे पास, बस इतना ही था। तो मैं सोच रही हूँ कि अनसब जहांगीर का ये ड्रेस लेने से अच्छा मैं इसको रिक्रिएट कर लूँ, क्योंकि ना तो ये कोई लेस लगी हुई है, ना तो ये कढ़ाइया शढ़ाइया हुई ने, तो ना तो ये फुल बूटे बने ने, तो बाज़ार जाके वेखते हैं कोई मिल जाए कुछ इस तरह का। चलिए बाज़ार चलते हैं। अब अच्छा यार, तो मैं गल्फ मार्केट आई हूँ, यहाँ पे भी है रॉ सिल्क वगैरह लगे हुए हैं, लॉन के भी हैं, रॉ सिल्क भी हैं, लेकिन जो मुझे चाहिए वो नहीं है। मुझे जो ब्लू चाहिए वो वाला कपड़ा यहाँ नहीं है, ये है लेकिन ये नहीं, ये वो वाला सिल्क नहीं है यार। देखें, अरे कितना खूबसूरत है। मतलब कपड़े निकलवाओ तो कहते हैं कि समझ में आया था, ऐसे देख ये नहीं मिलेगा, वो एक लाख रुपए का कागज भी नहीं मिलेगा माल, तो पाकिस्तानी भी इस तरह का तो ठीक है, वो बहुत ज्यादा लाइनों वाला नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। ये रॉ सिल्क है, और हम नीचे भी गए थे, ऊपर भी आए, पहले नीचे गए तो उन्होंने कहा कि ये रॉ सिल्क नहीं है, इंडियन रॉ सिल्क है, और अब जो है वो थोड़ा ऊपर है तो उन्होंने कहा कतान सिल्क, और अब ये है कतान सिल्क में कपड़े। माल इसका खत्म है, ये भी इंडिया है, ये रॉ सिल्क है। हमारा पास ये रॉ सिल्क, ये भी अच्छा लग रहा है मुझसे, ये भी अच्छा लग रहा है। ये देखिए इंडियन सिल्क है कतान, और नहीं ये वाला इंडियन राव से। सूट कितने का पड़ेगा? सूट देखो कई तरह का सूट है, एक फ्रॉक भी बनाता है, मिक्सी भी बना, यही वाला बनाना है। इसमें पिछली बार भी पूरा सूट का लिया था ना, लेकिन उसने कहा पैनल ये डालेंगे तो इसमें इसमें जो है वो हो जाएगा। ये ट्राउजर बनाता है, उसने फिर ट्राउजर अलग बनवाया था। ये साढ़े तीन गज में ये सूट बनेगा ये तुम्हारा। अच्छा, ये किसका है? ये इसका बच्चे का। हाँ सही है, कोई बात नहीं, ये साढ़े तीन गज में बनेगा, मर्दाना है। आए, क्या मर्दाना चाल है, मेरी या तुम्हारी? नहीं अच्छा ये थोड़ा सा वो कॉलर वाला ना, कॉलर। अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा। मैंने इसलिए ये हम देखो हम दुकानदार है, चल झूठा, ये आम सब लोगों में से नहीं है क्या? बाबा वो तो नहीं होगा, वो नहीं, वो उसका दिमाग नहीं है, वो दुकानदारी नहीं कर सकता। क्या बात करता है यार,
आप हमारा देने आप पैसा देगा मुफ्त नहीं लेगा, आपका अपना दुकान है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। खाली किसी से भी पूछो, बोले नहीं से लिया। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। इस भाई से पूछती हूँ कौन सा सूट अच्छा लग रहा है, कौन सा अच्छा लग रहा है दोनों में से, ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला, क्या नाचो मैं? बस सही, यही वाला लूंगी अभी, ठीक है। कल्चरल सूट्स भी यहाँ पे आते बहुत अच्छे हैं, अगर आपको फंक्शन के लिए, अपने स्कूल के फंक्शन के लिए या किसी फंक्शन के लिए पहनना है तो यू कैन कम अवे एंड बाय। बाकी शादियों के तो अच्छे हैं, चमक चमक हर जगह। ईद के लिए भी आप अच्छे से सूट खरीद सकते हैं यहाँ पे। ईद के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे सूट खरीद सकते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। ये वाला बहुत प्यारा लग रहा है। हेलो हेलो, देखो मेरा यार, टेलर के पास आई हूँ, टेलर को सूट दे देते हैं, यहाँ पे लगे हुए हैं, टेलर को सूट देती हूँ जल्दी से, फिर हम चलते हैं। मैं सोच रही थी कि सूट ले लिया तो उसके साथ अब मैं मैचिंग ज्वेलरी वगैरह भी ले लूँ, क्योंकि किराया बहुत लगता है और पेट्रोल वेट्रोल का भी बहुत खर्चा होता है, तो फिर मैं ये सारी चीज़ें देख लेती हूँ, फिर जल्दी से यहाँ से पिक करती हूँ और फिर चलते हैं। यार एयर रिंग्स देख रही हूँ, कोई अच्छी अगर मुझे मिल जाए तो। अच्छा वो ड्रेस जो है ना वो बहुत एलिगेंट है, तो मैं चाह रही हूँ कि एयर रिंग्स भी कोई झुमके झुमके टाइप ना लूँ, वो भी कोई टॉप्स लूँ ताकि वो अच्छे लगें। ये कैसा लग रहा है? टॉप्स में कुछ है ही नहीं यहाँ पे, आगे है उस जगह पे, उस तरफ चेक कर ले। वो चूड़ियों की शॉप नज़र आ गई। यार वैसे मेरा कफ वाला सूट है, ब्लू कलर की चूड़ियाँ दिखाएं। साइज तो मुझे नहीं पता, ये ब्लैक वाली का एक साइज पहन के देखती हूँ, मुझे आज ही। हाँ प्लेन में दिखा दे, कांच वाली नहीं, वो नीचे वेलवेट की है ना थोड़ी, ये वाली, वो वाली, वो दिखा दे। हाँ ये दिखा दे, ये वाले ले लो। यस चूड़िया गोरिया कलाइया बना दे मुझे हरी हरी चूड़िया। हाँ बस मुझे थोड़ी सी चूड़िया पहननी है, क्योंकि वो हाथ के कफ में तो नजर आएंगी नहीं, लेकिन थोड़ी 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 हरी है कलाइया बना दे मुझे हरी हरी चूड़िया। क्या कह रहे हैं, मेहंदी अच्छी है यहाँ की? हाँ बता दें एक बार, इंशाल्लाह मेहंदी ऐसी है, नेक्स्ट टाइम भी आएंगे। चले सही है, इनके पास आना, अगर मेहंदी अच्छी हुई तो मैं आपको रिव्यू दे दूंगी इसका, फिर आप इनके पास आना। आपकी शॉप का नाम बता दें। शॉप का कार्ड भी दे दे, बता मैं मोबाइल दे दूँ, पूछे लगा मुझे मोबाइल देना। हीरा बैंगल, मेहंदी भी ले ली, चूड़ियाँ भी ले ली, दर्जी को सूट भी दे दिया, और अब जूती ले ले। नहीं अच्छा ये शॉप है, इसमें फिक्स प्राइस लगे हुए हैं 500 रुपये। मुझे एक तो वो येलो वाला पसंद आ रहा है, लेकिन वो मेरे सूट के साथ नहीं जाता, देखती हूँ अगर ब्लू मिल गया तो ब्लू ले। ये वाला दिखाएं, ये ब्लू, चलो इस शॉप पे जाके देखते हैं, क्या पता हमें जूती मिल जाए अच्छी। ढूंढ ढूंढ के तो थक गई हूँ मैं, कितना परफ्यूम मारेगा। अच्छा
ये ब्लू है लेकिन ये ऐसे फुल्लन देवी वाली लग रही है, मुझे अच्छी नहीं लग रही है। एक ये ब्लू है, इसके ऊपर ऐसे बो लगा हुआ जैसे बच्चों के उस पर नहीं लगा होता यूनिफॉर्म पे, और वो और भी कपड़ों पे चलेंगे ना तो ग्रीन तो महसूस हो जाएगा वरना। इस टाइप के भी हैं, नहीं आए हैं अच्छे ना। अच्छा, एक पूरे हजूम में मुझे ये ब्लू दिख रही है, ये भी ऐसे लग रहा है पर बने हुए एक, नहीं मुझे नहीं अच्छी लगी दुकान। अच्छा ये कराची प्ले हाउस है, यहाँ पे बाहर एक शॉप है, यहाँ से देख लेते हैं कि एयरिंग्स वगैरह। ये कितने के हैं? ये 350 आपके लिए। 300 लग तो अच्छा रहा है। ये अच्छे लग रहे हैं, और ये वो तो नहीं है, ब्लू तो नहीं है, लेकिन ये अच्छे लग रहे हैं। ये वाले अच्छे, दोनों में से कौन से अच्छे हैं? दोनों अच्छे हैं। तो इसको बोले 200 के दोनों दे। दोनों 200 के दे दें, ये भी 200 का, ये भी 250 के। मंगरा तैयार नहीं आ गई, मैंने नहीं दे दिया, चले फिर ये वाला दे दें 200 का। चलो ये वाले लिए हमने, पैसे दे। चलो हमने ये वाली इयररिंग्स बाय कर ली हैं, अब चलते हैं घर। 3 days later। अच्छा यार ये देखें, टेलर के पास से स्टिच होके आ गया, इसके स्लीव्स में आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मैंने स्टिच करवाए हैं, जैसे आयजा खान ने पहने हुए हैं। और ये प्लेट्स लगी हुई हैं, ये वैसे ही कॉलर है। और अब जब मैं ये ईस्टर पे पहनूंगी ना तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें कितना प्यारा लगता है, लग रहा है ना फिर फुल शो वाला। मैं नहीं बताऊंगा। चलें, उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसका दुपट्टा भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें ये इसका दुपट्टा है, और ये इसका हाँ ये ऑर्गेंजा है ना, तो ये टिकता नहीं है, लेकिन चलो ऐसे देख लें, शोशा, ये शोशा है, ये देखें। बात तो सही है। ठीक है, ये दुपट्टा है, ये सूट है, और इसका ट्राउजर्स भी, इसके ट्राउजर्स भी बिल्कुल स्ट्रेट ट्राउजर्स हैं, तो बड़े मज़े का ड्रेस लग रहा है। 5000 में अच्छा और खूबसूरत ड्रेस स्टिच होके आ गया है, और बिल्कुल सेम लग रहा है, कोई डिफरेंस नहीं लग रहा। अभी तो टेलर के पास से आया है तो इस्त्री भी नहीं हुआ हुआ। अब जब मैं ईस्टर में पहन के दिखाऊंगी आपको, तैयार होंगी, तैयार श्यार होंगी, तो मैं आपको फिर जो है ईस्टर वाली वीडियो में दिखाऊंगी। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।